उससे तो सीख लीजिए कि कैसे जिम्मेदारी लेते थे, कैसे नैतिकता थी। लेकिन अब आपको एक नीति छोड़नी पड़े, प्राण जाए पर पीआर न जाए, यह नीति छोड़नी पड़े। अभी 9 फरवरी को, शक्ति भाई और मैं अभी चर्चा ही कर रहे थे, 9 फरवरी को यह एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे। जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में, उसके पश्चात क्या कदम उठाए गए ये भी हम जानना चाहते हैं। इससे पहले कि शक्ति सिंह गोहिल जी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करें, हमारे 3 सवाल। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। शक्ति भाई, थैंक यू पवन भाई। साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उसके प्रति मेरी पार्टी की ओर से और निजी तौर पे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। एक दूसरी भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, हमारे मेजर रिटायर्ड वेद प्रकाश जी, ज्यादातर आप सबको यहाँ मिलते रहते थे, हर वक्त हंसते, बड़े मिलनसार, वो अचानक से हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जो एक्सीडेंट में जाने गई उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गए, कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है, और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो वो आ भी सकता है वापस, पर एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। हमारे भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, शुरू में हमारी रेलवे, आप नोट कीजिएगा, शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट पार्टीज के पास थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टी रेल चलाए पर वो तो अपना मुनाफा देखेंगे, इसीलिए ये जरूरी है कि सेफ्टी के लिए उस प्राइवेट पार्टी को नहीं, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो सीधे सरकार के, शासक के पेड लोग थे, वो इसकी सुरक्षा देखते थे, वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो, वो इंजीनियर्स कहते थे, वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती थी। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने सोचा
कि ये ठीक नहीं है कि रेलवे तो अपना मुनाफा देखेगा, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए रेलवे से हटके अलग डिपार्टमेंट के पास एक कमीशन होना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा की चिंता करते हुए कमीशन रेलवे सेफ्टी अलग बना, और वह रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको रखा सिविल एविएशन, नागर विमान विभाग के नीचे उसको रखा और वो देखते थे। ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि जो कसूरवार है उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आपके पास जो डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार है। Z News.